बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम खुद से अपना YouTube चैनल जो है वो उसको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह अपनी वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। YouTube ने बिगनर्स के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी है जिसमें हम प्रमोट बटन को यूज़ करके अपनी ही वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनके कंटेंट तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी वीडियोस पे व्यूज़ जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। रीज़न ये होती है कि उन्होंने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स का प्रॉपर वे से यूज़ नहीं किया होता। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगी जिसमें आप अपनी ही वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ा सकेंगे। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो मिल सके। अब मैं आपको प्रमोट बटन के बारे में बताऊंगी। EIT स्टूडियो को किया ओपन। इसके लोअर एरिया में 5 टैब्स शो हो रहे हैं, मोनेटाइज, कमेंट्स, एनालिटिक्स, कॉन्टेंट एंड डैशबोर्ड। एनालिटिक को किया मैंने सेलेक्ट। इसके अपर एरिया में 4 टैब्स शो हो रहे हैं, ऑडियंस, कंटेंट, ओवरव्यू और रिसर्च। ओवरव्यू जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब हम जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे उससे पहले हमें उसके लिए ऐसा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग सिलेक्ट करने हैं जिससे हमारी वीडियो जो है वो सर्च में आए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। आपका चैनल जिस टॉपिक से रिलेटेड है आप उसी से रिलेटेड टाइटल जो है वो सर्च करेंगे। अगर आपका चैनल कुकिंग से रिलेटेड है, IT से या व्लॉग से रिलेटेड है तो आप उससे रिलेटेड जो है ना वो टॉपिक सर्च करेंगे। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ मैं उसको सर्च करके आपको दिखाती हूँ। रिसर्च पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं सर्च बार में टाइप करूँगी। ये मैंने टाइप किया तो उसके बाद सर्च टर्म पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। सर्च्ड बाय YouTube व्यूवर्स, यहाँ पे 2 टैब्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, कंटेंट गैप्स और मोस्ट पॉपुलर। कंटेंट गैप पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक वीडियो शो हो रही है जो कि सर्च में आ रही है, उसका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो मीडियम है। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे 3 वीडियोज़ शो हो रही हैं जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई है। अगर मैं सी मोर पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे 4 वीडियोस जो हैं वो हाई सर्च लेवल में जा रही हैं, बाकी सारी जो है ना वो मीडियम सर्च वॉल्यूम पे जा रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं बैक और उसके बाद नेक्स्ट है वॉच बाय YouTube व्यूवर्स। यहाँ पे वो वीडियोस शो हो रही हैं जो कि YouTube व्यूवर्स ज़्यादा देख रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। रीसेंट पे मैंने क्लिक किया तो ये वो वाली वीडियोस शो हो रही हैं जो रिसेंटली जो है ना वो अपलोड हुई हैं और इनको व्यूवर्स जो है ना वो वॉच कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये सीमोर पे मैं आऊँगी तो ये सारी वीडियोस जो हैं यहाँ पे शो हो रही हैं जो कि अपने सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो रही हैं जो ज़्यादा व्यूवर्स वॉच कर रहे हैं। आपने ऐसा करना है कि आपने फर्स्ट 3 वीडियोस जो है ना उनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन उनको आपने करना है कॉपी और उसे आपने अपने ही वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे शो हो रही हैं। सीमोर में जाके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सारी वीडियोस शो हो रही हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड है जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटेड टॉपिक। रिलेटेड टॉपिक जिस टॉपिक पे हमने वीडियोस बनाई हुई हैं यहाँ पे उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, टैग्स हैं वो शो हो रहे हैं। आपने उनको कॉपी करके और उनको अपने ही वो जो वीडियो होगी उसके टैग में पेस्ट कर देना है। इस तरह ये होगा कि आप अपनी वीडियो से रिलेटेड टाइटल सर्च करके आप अपनी वीडियो में लगाएंगे ना तो आपकी वीडियो जो है वो सर्च में ज़्यादा जाएगी और आपकी वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और आपकी वीडियोस के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मतलब आप अपने ही चैनल को खुद से ही प्रमोट करेंगे।
आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह प्रमोट बटन को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को हाई सर्च वॉल्यूम में ला सकते हैं और किस तरह उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ा सकते हैं और किस तरह खुद से अपने ही चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ न्यू एक्टिविटीज़। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।